हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज हम आपको बताएंगे कि आप इंडियन आर्मी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी है, जो कि अमेरिका और चाइना की आर्मी के बाद आती है। इंडियन आर्मी में सर्व करना अपने आप में ही एक बड़े गर्व की बात है। आप इंडियन आर्मी को एज अ कमीशन ऑफिसर, एज अ जूनियर कमीशन ऑफिसर और एज अ नॉन कमीशन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम उन सभी एंट्रीज को डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू आप इंडियन आर्मी को एज अ कमीशन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली एंट्री है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये एकेडमी खड़कवासला पुणे में स्थित है। एनडीए भारत की सबसे प्रमुख ट्रेनिंग एकेडमी है, जहाँ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग साथ में होती है। एनडीए का एग्जाम यूपीएससी द्वारा साल में दो बार कंडक्ट करवाया जाता है, एक अप्रैल में और एक सितंबर में। इसका रिटर्न क्लियर करने के बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। एसएसबी इंटरव्यू जो कि 5 दिन का होता है, जिसको क्लियर करने पे आपका मेडिकल होता है, और मेडिकली फिट डिक्लेयर होने के बाद यदि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आता है तो आपको एनडीए में भेजा जाता है, जहां आपकी 3 साल की ट्रेनिंग होती है। 3 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको 1 साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में भेजा जाता है। अगर इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखा जाए तो आप किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, यदि आप 10+2 में हैं या फिर आप 10+2 पास कर चुके हैं तो आप एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनडीए ज्वाइन करने के लिए आपकी एज 16.5 से 19 के बीच में होनी चाहिए। ये कोर्स सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए ही होता है। इस कोर्स के लिए फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। हमारी दूसरी एंट्री है CDS, दैट इज कम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। इस एंट्री में अप्लाई करने के लिए आपका ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। यदि आप ग्रेजुएट हैं या फिर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तो आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, भले ही आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना की हो। सीरियस एग्जाम भी यूपीएससी द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है, एक फेब और मार्च, दूसरा अक्टूबर और सितंबर में। यदि आप सीरियस रिटर्न क्लियर कर लेते हैं तो आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसे क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल होता है, और मेडिकली फिट डिक्लेयर होने के बाद मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। यदि आप इस एंट्री के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक IMA और एक OTA। अगर आप IMA के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 19 से 23 साल के बीच होनी चाहिए और आप अनमैरिड होने चाहिए, और अगर आप OTA के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 19 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। IMA के लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, और OTA के लिए बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। तीसरी एंट्री है TES, दैट इज टेक्निकल एंट्री स्कीम, जिसके थ्रू आप इंडियन आर्मी की इंजीनियरिंग और टेक्निकल ब्रांच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एंट्री साल में 2 बार आती है। इस एंट्री में अप्लाई करने के लिए आपके 10+2 में मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए विथ PCM, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और आपकी एज 16.5 से 19 के बीच होनी चाहिए। टेक्निकल एंट्री स्कीम सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए होती है, यानी फीमेल कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती। इस एंट्री के थ्रू जाने पे आपको पहले 1 साल OTA गया में ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर बाकी 4 साल आपकी ट्रेनिंग इंडियन आर्मी के इंजीनियरिंग कॉलेज में होती है, जो कि पुणे में स्थित है। चौथी एंट्री है यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। ये एंट्री सिर्फ BTech और BE ग्रेजुएट्स के लिए होती है, यानी कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ही इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस एंट्री में अप्लाई करने के लिए इंजीनियरिंग के प्री फाइनल ईयर में ही अप्लाई करना होता है। इस एंट्री में अप्लाई करने के लिए आपकी एज 18 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। पांचवी एंट्री है TGC, दैट इज टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। इसके थ्रू इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है,
एक मई और जून, दूसरा नवंबर और दिसंबर में। अगर आप इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में हैं या फिर आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुका है तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी एज 20 से 27 साल होनी चाहिए। छठा तरीका है SSC टेक एंट्री फॉर्म मेन। ये एंट्री भी TGC एंट्री की तरह टेक्निकल एंट्री होती है, लेकिन ये शॉर्ट सर्विस होती है और TGC परमानेंट कमीशन एंट्री होती है। शॉर्ट सर्विस कमीशन मतलब आप इंडियन आर्मी में 10 से 14 साल तक सर्विस कर सकते हैं। आपकी 10 साल नौकरी कंप्लीट होने के बाद या तो आप परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर रिटायर हो सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप अपनी सर्विस को 4 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं। SSC टेक का नोटिफिकेशन साल में 2 बार आता है, एक जून और जुलाई और दूसरा दिसंबर और जैन में। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास टेक्निकल डिग्री होना कंपलसरी है और इसके लिए आपकी एज 20 से 27 साल होनी चाहिए। इस एंट्री के लिए मैरिड एंड अनमैरिड बोथ कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। 7वीं एंट्री है SSC टेक एंट्री फॉर वुमेन। ये भी एक टेक्निकल एंट्री है जो कि साल में 2 बार निकाली जाती है, जून एंड जुलाई एंड दूसरा दिसंबर एंड जनवरी। इस एंट्री को सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं। इस एंट्री के लिए आपके पास टेक्निकल डिग्री होना कंपलसरी है, आपकी एज 20 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। इसके लिए सिर्फ अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल होते हैं। 8वीं एंट्री है NCC। ये एक स्पेशल एंट्री होती है जिसके लिए सिर्फ NCC कैडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। ये साल में 2 बार आती है, एक जून में और दूसरी दिसंबर में। इस एंट्री में अप्लाई करने के लिए आपके पास NCC सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। यदि आप NCC कैडेट हैं और आपके पास सी सर्टिफिकेट है विथ मिनिमम बी ग्रेड एंड 50% मार्क्स इन योर ग्रेजुएशन तो आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी एज 19 से 25 साल के बीच होनी चाहिए और इस एंट्री के लिए बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। हमारी 9वीं एंट्री है जैग एंट्री, दैट इज जज एडवोकेट जनरल। यदि आप लॉ ग्रेजुएट हैं और इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस एंट्री के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। ये एंट्री भी शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री होती है और इस एंट्री में अप्लाई करने के लिए आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं जो कि है joinindianarmy.nic.in। इस एंट्री में अप्लाई करने के लिए आपके पास LLB डिग्री होनी चाहिए विथ मिनिमम 55% मार्क्स और इस एंट्री के लिए आपकी एज 21 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। इस एंट्री के लिए बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। 10वीं एंट्री है ACC, दैट इज आर्मी कैडेट कॉलेज। इस एंट्री के लिए केवल आर्मी कैडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इंडियन आर्मी में मिनिमम 2 साल से सर्व कर रहे हैं तो आप इस एंट्री के लिए एलिजिबल हैं। इसका नोटिफिकेशन साल में 2 बार निकलता है, एक मार्च में और दूसरा अगस्त में। इस एंट्री के थ्रू आपका कोर्स ड्यूरेशन 4 साल का होता है, 3 साल ACC विंग में आपकी ट्रेनिंग होती है और 1 साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में। इस एंट्री में अप्लाई करने के लिए आप 10+2 पास होने चाहिए और मिनिमम 2 साल इंडियन आर्मी में सर्विस होनी चाहिए और इस एंट्री के लिए आपकी एज 20 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। 11वां तरीका है SCO, दैट इज स्पेशल कमीशनड ऑफिसर। ये भी एक सर्विस एंट्री होती है ACC एंट्री की तरह, मतलब जो ऑलरेडी इंडियन आर्मी में JCO, NCO सर्व कर रहे हैं वो एक रेगुलर कमीशन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन भी साल में 2 बार आता है, एक अप्रैल और एक जुलाई में। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो इसके लिए चाहिए होती है वो 10+2 के साथ इंडियन आर्मी में मिनिमम 5 साल की सर्विस। इस एंट्री में अप्लाई करने के लिए आपकी एज 28 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। और हमारी अगली एंट्री है TA, दैट इज टेरिटोरियल आर्मी, जिसे बैकअप फोर्स भी कहते हैं। टेरिटोरियल आर्मी टेम्प्रेरी आर्मी सर्विस होती है। इसके लिए यदि आप ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस एंट्री के लिए आप
joinindianarmy.nic.in जो कि इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर अप्लाई कर सकते हैं। इस एंट्री के लिए मेल इंडियन सिटीजन्स अप्लाई कर सकते हैं और आपकी एज 18 से 42 साल के बीच होनी चाहिए। ये थी वो सारी एंट्रीज जिसके थ्रू आप एज अ कमीशन ऑफिसर इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी और ऐसे अपडेट्स पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।